चाहो तो आप नॉर्मल साइकिल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और चाहो तो आप बैटरी से भी ऑन करके चला सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपको ये ऊपर बैटरी दिखाएगा, नीचे आपके इसके लिए पैडल के लिए मोड़ हैं, 3 मोड्स हैं आपके, लो, मीडियम, हाई। अगर मैग्नेट और सेंसर के साथ ही ऑटोमेटिकली इसको पावर मिलती रहेगी। मोटर की बात करते हैं तो मोटरों के साथ जो इसके डिस्क ब्रेक्स भी हैं, इसको खैर ये बहुत ही कम चांस होता है जो आपकी मोटर ख़राब होती है। इसका व्हील डिटैचेबल है, कई कस्टमरों का ना बड़ा रहता है कि हम गाड़ी में कैसे कैरी करें, और प्लस इसके अंदर पैनासोनिक की बैटरीज मिलेंगी आपको, इसके अंदर 7 गेयर्स मिलेंगे आपको। ये जैसे हमने लो किया, जैसे मान के चलो लो का मतलब हो गया कि आपका जो है एफर्ट रहेगा उसमें 75% आपका एफर्ट रहेगा। ये बैटरी और मोटर दोनों काम कर रही है सर। ये अभी मैग्नेटिक चार्जिंग मिलती है, 35 किलोमीटर चलती है। आज पहुंचा हूं दिल्ली के झंडेवालान, जो दिल्ली और NCR की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें ई साइकिल्स भी हैं और जो दूसरी नॉर्मल साइकिल जो ट्रेडिशनल साइकिल्स हैं वो भी है। आपके फुल चार्जिंग पे आपकी 35 किलोमीटर चलेगी। थ्रॉटल को हमने ऑन किया, ये नॉर्मल बाइक की तरह चल पड़ेगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। आइडियाज़ हमें देते रहिए, बताते रहिए किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करें, क्योंकि चैनल आपका है और आप ही के सजेशन से ये सब चीज़ें चलनी हैं। सर ये हीरो इलेक्ट्रो आपकी आएगी ई साइकिल, इसके अंदर ये C7 मॉडल है। किसी की हाइट छोटी है तो उसको आप नीचे कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चीज़ें इसी तरीके से आपके लिए आती रहेंगी। आपको इसकी बैटरी की 2 साल की वारंटी मिलती है, मोटर की 2 साल की मिलती है, कंट्रोलर की 2 साल की मिलती है। हीरो इलेक्ट्रो इसका नाम है, नया मॉडल है, अभी तक ये मार्केट में हर जगह पर मौजूद नहीं है। अगर आप चार्जिंग का टाइमिंग देखेंगे तो आपके 3 से 4 घंटे इसको फुल चार्जिंग पे समय लगता है। पूरा लंबा सेल रहेगा यहाँ से, ये देखो एक पेच यहाँ लगा हुआ है। आदाब नमस्कार, मैं अकर महान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। एक नहीं दो नहीं, इससे पहले मैं स्कूटर और बाइक से कई एक इलेक्ट्रॉनिक वीडियोस कर चुका हूं। आज पहुंचा हूं दिल्ली के झंडेवालान, जो दिल्ली और NCR की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें ई साइकिल्स भी हैं और जो दूसरी नॉर्मल साइकिल जो ट्रेडिशनल साइकिल्स हैं वो भी है। आज हम लोग हीरो शोरूम पर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ की जो नई साइकिल थी यानी कि ये, इसकी अगर बात करें तो हीरो इलेक्ट्रो इसका नाम है, नया मॉडल है, अभी तक ये मार्केट में हर जगह पर मौजूद नहीं है। इसका आज हम लोग प्रीव्यू करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इसके टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे, इसकी एवरेज के बारे में जानेंगे, इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानेंगे और फीडबैक लेंगे इनसे कि क्या है, आखिर लेने में फ़ायदा है या नुकसान है। इन दोनों बातों पर चर्चा होगी आज, और बताना शुरू करें। ये सर ये हीरो इलेक्ट्रो आपकी आएगी ई साइकिल, इसके अंदर ये C7 मॉडल है। ये आपके फुल चार्जिंग पे आपकी 35 किलोमीटर चलेगी। इसमें आपको मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा आपको इसके अंदर, और प्लस इसके अंदर पैनासोनिक की बैटरीज मिलेंगी आपको। साथ में इसमें व्हील साइज 27.5 मिलेगा, प्लस इसके अंदर 7 गेयर्स मिलेंगे आपको। आप चाहो तो आप नॉर्मल साइकिल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और चाहो तो आप बैटरी से भी ऑन करके चला सकते हैं। जैसे ये मैं, आप देख रहे होंगे इधर सामने डिस्प्ले में, इसको मैंने ऑन किया है। इसमें कई तरह के मोड हैं, एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए दोबारा। ये देखो मैंने आपको ऑन करके दिखाई है। जैसे इसके अंदर आपको ये ऊपर बैटरी दिखाएगा, नीचे आपके इसके लिए पैडल के लिए मोड़ हैं, 3 मोड्स हैं आपके, लो, मीडियम, हाई। अगर आपको पैडल से चलाना है इसको तो ये आप मोड़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पैडल से नहीं चलाना है तो हाई पे करके इसको ऑफ कर दीजिए। ये फिर आ गया आपका थ्रॉटल मोड, इसको थ्रॉटल को हमने ऑन किया, ये नॉर्मल बाइक की तरह चल पड़ेगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो आपको इसके अंदर कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपको ये मोड नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप अगर हम इसको चलाएंगे, हाँ जी, एक्सेलेरेटर की तरह चलेगी ये, एक्सेलेरेटर नॉर्मल आपकी बाइक्स की तरह चलेगी, बाइक की तरह चलेगी, हाँ जी। अगर आपको पैडल मोड चाहिए तो फिर हमने पैडल मोड यूज़ किया। ये जैसे हमने लो किया, जैसे मान के चलो लो का मतलब हो गया कि आपका जो है एफर्ट रहेगा उसमें 75% आपका एफर्ट रहेगा। एफर्टलेस बताइए, एफर्टलेस, तो इसमें एफर्ट ना लगे। एफर्ट ना लगे तो आपको, आप हाई पे कर लीजिए इसको, आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे, साथ में अपनी बैटरी भी वर्क करेगी, साथ में मोटर भी वर्क करेगी। आप हल्का सा पैडल मारोगे ऑटोमेटिकली बहुत तेज चलेगी, तो आप देख सकते हैं आप इसमें। अच्छा, इसमें ये बैटरी काम कर रही है अभी? ये बैटरी और मोटर दोनों काम कर रही है सर, ये अभी कनेक्ट हो रही है। इसके अंदर मैग्नेट और सेंसर लगा जो ऑटोमेटिकली इसको पावर देते हैं। आप देख सकते हैं ये मैग्नेट और सेंसर के साथ ही ऑटोमेटिकली इसको पावर मिलती रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली फास्ट चलता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका एफर्ट कम लगेगा और ये चलने में बहुत तेज चलेगी। ये इन्होंने नई लॉन्च की है C7, इसके अंदर आपको बैटरी भी पैनासोनिक की मिलती है, मैग्नेटिक चार्जिंग मिलती है, 35 किलोमीटर चलती है, तो आपको सारी चीज़ें ऑप्शन मिलती है। हाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो हाइट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको।
अब किसी की हाइट छोटी है तो उसको आप नीचे कर सकते हो, किसी की बड़ी हाइट है लंबी हाइट है तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ आपको अलॉय की मिलेगी, फुली वाटरप्रूफ साइकिल मिलेगी आपको, हर चीज़ की वारंटी गारंटी मिलेगी, बैटरी से लेके मोटर से लेके कंट्रोलर से लेके डिस्प्ले से लेके आपको हर एक चीज़ की वारंटी गारंटी मिलेगी इसके अंदर। अच्छा, ये व्हील ट्यूबलेस है? नहीं सर, इसमें आप ट्यूब ही होती है, खैर ट्यूबलेस तो अभी साइकिल में आया नहीं है। तो आप वैसे देखा जाए तो सर बाइक्स जो है पूरी अलॉय की है, इसमें वाटरप्रूफ साइकिल है, इस पर आपका एफर्ट बहुत कम लगता है इसके अंदर। ये अपने हमने डाउन कर दिया, नीचे कर दी। आपको इसकी बैटरी की 2 साल की वारंटी मिलती है, मोटर की 2 साल की मिलती है, कंट्रोलर की 2 साल की मिलती है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स आप देखते हैं तो सब चीज़ की आपको 2-2 साल की वारंटी मिलती है। कितनी देर में चार्ज हो जाती है और कब तक चलती है? सर ये देखो 35 किलोमीटर चलती है। अगर आप चार्जिंग का टाइमिंग देखेंगे तो आपके 3 से 4 घंटे इसको फुल चार्जिंग पे समय लगता है। और इसकी बैटरी कहाँ लगी होती है? सर बैटरी इसके जहाँ पे हीरो इलेक्ट्रो लिखा हुआ है इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी पूरी। इसके अंदर नीचे 2 पेच दे रखे हैं जो बैटरी निकालने, कहीं कस्टमर पूछते हैं इसकी बैटरी कैसे निकलती है, ये 2 पेच दे रखे हैं उससे बैटरी इजिली बाहर निकल जाती है। अच्छा, दिखा पाएंगे आप इसे? नहीं, दिखाने के लिए सर इसको साइकिल को पूरा उल्टा करना पड़ेगा मेरे को तो। हिमांशु भाई एक बार ज़रा इसको पलट दीजिए, ये देखिए ये साइकिल की ये बोर्ड आ गया। ये देखो, इसको हम ये आपके है चार्जिंग के जो चार्जिंग पॉइंट है उसके नीचे हमने जस्ट देखा तो एक ढक्कन लगा हुआ है इसके ऊपर। तो हम ये जो पेच खोलते हैं तो जब आपकी बैटरी पूरी बाहर आ जाती है, इसके अंदर बैटरी का पूरा लंबा सेल रहेगा। यहाँ से ये देखो एक पेच यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं एक जो है आपका यहाँ लगा हुआ है। मैं आपको अलग से एक बैटरी भी दिखाऊंगा जो कैसी बैटरी होती है इसके अंदर। इसको सीधा कर लें मांजू भाई। देखिए अंदर तक उन्होंने बताया कि बैटरी अंदर है, पता ही नहीं चलेगी कि बैटरी इसमें यहाँ पर मौजूद है। और देखिए ये ड्रम है। अच्छा, ड्रम का इधर वो बताएं, वर्किंग बताएं। सर अगर हम मोटर की बात करते हैं तो मोटरों के साथ जो इसके डिस्क ब्रेक्स भी हैं, इसको खैर ये बहुत ही कम चांस होता है जो आपकी मोटर ख़राब होती है, या आप मान के चलो ना के बराबर मोटर ख़राब होती है। जो इशू आएगा तो बैटरी में आएगा या कंट्रोलर में आएगा, जो साइकिल का जो मेन हार्ड होता है जो कंट्रोल करता है इसको, तो जो दिक्कत आएगी तो आपका कंट्रोलर या बैटरी में आएगी। अच्छा, डिस्क ब्रेक दोनों में है? डिस्क ब्रेक्स दोनों में मिलेगी आपको, फ्रंट में भी मिलेगी और रियर व्यू भी मिलेगी। और साथ में एक फैसिलिटी आपको ये चीज़ की मिलती है कि इसका व्हील डिटैचेबल है। कई कस्टमरों का ना बड़ा रहता है कि हम गाड़ी में कैसे कैरी करें, तो आप व्हील खोल के इजिली रख सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे व्हील खुलते हैं इसका। अच्छा, ये पूरा व्हील खुल जाएगा? हाँ जी सर, पूरा व्हील खुल जाएगा। और बताएं इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट बताएं। कॉस्ट देखेंगे जाएगा तो सर इसकी 31,000 रुपये कॉस्ट है इसकी। अच्छा, जीएसटी है? विदाउट जीएसटी? इंक्लूड जीएसटी है सर, इंक्लूड वारंटी गारंटी सब कुछ इंक्लूड है। अच्छा, रेट कुछ नीचे ऊपर भी है या फिक्स? नहीं सर, इसका जो है ना आप किसी कस्टमर को हम डिस्काउंट दे सकते हैं मगर हमारे को अलाउ नहीं है। अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए ना। हाँ तो दे देंगे सर, आप आपके कहने पर जरूर देंगे हम। ये मैं आपको बैटरी भी दिखाता हूँ कि इसकी किस तरह की बैटरी होती है। देखो ये तो अभी है नॉर्मल बैटरी, जो इनका पुराना वाला मॉडल था। अभी जो मैंने आपको मॉडल दिखाया है इसमें पैनासोनिक की बैटरी मिलेगी आपको, वो थोड़ा सा इससे बेटर लुक के अंदर होगी, बेटर फिनिशिंग के अंदर होगी। ये है इसकी मेन बैटरी, यही बैटरी अंदर लगेगी। हाँ, यही बैटरी होती है। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ कंट्रोलर लगता है जो इसको कंट्रोल करता है, वो इसके अंदर है नहीं अभी, नहीं तो वो भी आपको मैं दिखाता जरूर। अच्छा, इसका ये नया मॉडल है, पुराना मॉडल भी है इसका? सर हाँ, मैं आपको पुराना मॉडल भी दिखाऊंगा इनका। अच्छा, जैसे ये आप देख सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा और डिटेल इसमें बता दीजिए। और ये जो है तकरीबन कितनी तेज हम लोग चला सकते हैं इसको? सर ये टॉप स्पीड इसकी 25 की ही रहेगी, इससे ऊपर हम चला नहीं पाएंगे क्योंकि इसके कमर्शियल में यूज़ होते जाती है, फिर इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है हमारे को। तो फ़ोन से कनेक्टिविटी हो सकती है, आपसे इजीली बात कर सकते हैं। और ये बताइए कि दिल्ली से बाहर भी क्या लोग इसको मंगवा सकते हैं? हाँ जी सर, क्यों नहीं मंगवा सकते हैं, ये ऑल इंडिया कहीं भी ले जा सकते हैं आप, कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। सारी चीज़ों की फैसिलिटी है हमारे पास, जब ट्रांसफ़र कहोगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोरियर कहोगे कोरियर हो जाएगी, तो हर चीज़ की हमारे पास फैसिलिटी मिलेगी आपको। अच्छा चलिए, एक पुरानी जो थी आपकी वो वाली दिखाएं जो पुराना है। ये आप देखिए, ये अभी लेटेस्ट मॉडल था ये उन्होंने दिखाया, ये अब उसके बाद जो इससे पहले वाला जो मॉडल था जो इससे पहले लॉन्च हो चुका है वो आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। हाँ ये देखिए हीरो इलेक्ट्रो, ये आया साहब बहुत C3 करके मॉडल नेम आता है, ये है इनका C3।
जो इनके स्टार्टिंग रेंज वाले थे जैसे 25s की रेंज देखते हैं, तो इसके अंदर और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा क्या चीज़ का अंतर था। जैसे मान के चलो इसमें जो है नॉर्मल बैटरी है, इसमें 5.8 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है। जो मैंने आपसे इससे पहले वाला मॉडल दिखाया था C7, उसके अंदर पैनासोनिक की है, उसमें 6.36 की एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है, बैटरी भी अपग्रेड हो गई और इसमें नॉर्मल स्लॉट दे रखा है जो मैग्नेटिक नहीं है इसके अंदर। एक चीज़ ये भी है, पुराने वाले मॉडल में पीछे डिस्क ब्रेक्स नहीं रही, नए वाले मॉडल में डिस्क ब्रेक भी ऐड हो गई, व्हील साइज बड़ा हो गया, बैटरी बैकअप बढ़ गया उसके अंदर, हर चीज़ की आपका मॉडल में चेंजेस आ गया। इसका जो प्राइस है वो 25,000 रुपये सर, मतलब पुरानी वाली का 25,000। हाँ जी, पुरानी वाली का 25,000 रुपये और नई वाली का, नई वाली का पड़ता 31,000 रुपये। अभी कई चीज़ें ऐड होगी इसके ऊपर, देखो सिली आपने ये डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, एक कवर दे रखा है। कई लोगों को रहता है कि हम बारिश में गीले हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा अपग्रेड गियर भी दे दिए, वो पुराने वाले मॉडल के अंदर गियर भी नहीं था, तो हर चीज़ अपग्रेड मिल जाएगी आपको इसके अंदर। अच्छा, बहुत सही। अच्छा हिमांशु भाई, आप ज़रा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप बता दें, जो ई साइकिल नहीं है, थोड़ा सा इनके ऊपर भी निगाह मार लेते हैं। अकॉर्डिंग कुछ मॉडल जो देखते हैं तो बहुत सारे हैं, जैसे आप रैले देख सकते हैं, सन क्रॉस देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, और रिक्वायरमेंट के ऊपर ही, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सा मॉडल चाहिए। जैसे हम मान के चलिए ये टोरंटो देख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बाइक्स हैं, आप पूरी अलॉय की साइकिल है, इसके अंदर भी इंटरनल केबल्स हैं, लॉकिंग सिस्टम है, दोनों व्हील डिटैचेबल हैं, अब पूरी अलॉय की साइकिल बिल्कुल लाइट वेट 21 स्पीड के साथ, तो ये साइकिल काफ़ी सारी डिपेंड करता है सर। ये आपकी कॉस्ट देखते हो तो 28,000 रुपये की साइकिल है। इलेक्ट्रॉनिक की सस्ती है ये महंगी है सर, डिपेंड करता ना, मैंने आपको क्या बोला कि आप कई कस्टमरों की रोड बाइक्स होती है जो राउंड हैंडल में होती है, अगर राउंड हैंडल्स में भी देखते हैं तो 35,000 से स्टार्ट होती है, तो आप रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है कस्टमर के। अच्छा, और बताओ ये वाली, ये शनैल कंपनी की देख सकते हैं, तो हर एक साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इससे पहले जो दिखाई थी थोड़ी अपग्रेड साइकिल थी, ये अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा डाउन प्राइस के अंदर जाती है, वो 28,000 रुपये की, ये 23,000 रुपये कॉस्ट में आती है, तो हर एक साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं रैले कंपनी की साइकिल देख सकते हैं आप, ये रैले कंपनी का है, ये 18,000 रुपये की रेंज में आती है, तो इसमें भी 21 स्पीड मिलती है, शॉकर मिलता है आपको, गेयर्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, तो हर एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या साइकिल चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट। वारंटी सर देखो ज़्यादातर तो बॉडी की लाइफ टाइम ही देती है कंपनी, अदर पार्ट के देखते हैं तो 6-6 महीने की कंपनी देती है। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या बताइए आपने? इसकी कॉस्ट पड़ती है 18,000 रुपये सर। देखिए 18,000 रुपये की ये कॉस्ट हिमांशु भाई ने बताई है, और ये फाइनल रेट है ना या कुछ कम भी है होगा? सर देख लेते हैं कस्टमर के ऊपर जो होता है, हम बेस्ट से बेस्ट ही देते हैं कस्टमर को, देख लें। चलिए, ये दिल्ली झंडे वालान का ये सब है, और बता रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट प्राइस देने की इसमें कोशिश करते हैं। हिमांशु भाई को एक आध और दिखा दीजिए फाइनली। अच्छा हाँ, ये कई कस्टमरों की ना हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो हाइब्रिड मतलब थोड़ा सा पतला टायर हो जाएगा, थोड़ा अगर स्पीड के मामले में देखें तो MTB से ज़्यादा स्पीड ये साइकिल चलती हैं, ये भी साइकिल में ऑप्शन देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। इसका प्राइस भी देखते हैं सर, ये 16,000-17,000 रुपये की समथिंग के आसपास आती है, तो इसमें भी आपको बेटर बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। वेट कितना होगा इसका? इतना सर वेट की बात करें तो 16 किलो के आसपास साइकिल होगी ये, क्योंकि इसमें सस्पेंशन नहीं है, चलने में बहुत तेज चलती है और बिल्कुल लाइट वेट साइकिल होती है ये प्रोफेशनल चलनी होगी बेचारी? हाँ जी हाँ जी, वो वैसे भी कह सकते हो आप इसको, ऐसी कोई वो नहीं है, नॉर्मल रोड 50-80 किलोमीटर की राइड का आपको डेली कर सकते हो साइकिल के अंदर, इतना आराम से? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी, आराम से। इसमें थकान वकान तो नहीं होगी? नहीं नहीं सर, आजकल ना ज़्यादातर हर कोई फिटनेस पे ही ध्यान देता है, तो आजकल नॉर्मल ये चीज़ें हो गई हैं, इतना कोई है नहीं आजकल, आजकल हर कोई फिटनेस को लेके बहुत ध्यान रखता है। आज के लिए इतना ही दोस्त, नए नए आइडियाज़ हमें देते रहिए, बताते रहिए किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करें, क्योंकि चैनल आपका है और आप ही के सजेशन से ये सब चीज़ें चलनी हैं। जो इनका डिस्क्रिप्शन है, इनके फ़ोन नंबर्स हैं, वो सब मैं दे दूंगा हिमांशु भाई, सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चीज़ें। हाँ, आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, और जो भी कम्युनिकेशन है वो यहां से आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चीज़ें इसी तरीके से आपके लिए आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, आदाब, नमस्कार।